वेलकम टू मोंक एंड परमाणु। और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, जो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेरिवेशन को शुरू करने से पहले कुछ हम डिस्कस करेंगे। 1926 से पहले डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जैसे कोई भी वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है, उसी तरह जो पार्टिकल है वो भी मैटर वेव्स की तरह अपना जो बिहेवियर है वो शो कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए श्रोडिंगर ने कुछ एफर्ट्स लगाए, और 1926 में श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली के आइडिया को यूज़ करते हुए एक मैथमेटिकल इक्वेशन या थ्योरी उन्होंने प्रपोज करी, जिस थ्योरी के अंदर उनका जो मेन फीचर था वो था वेव इक्वेशन। यानी कि वो जो मैटर है या पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो वेव्स हैं जो एसोसिएट होती हैं उसके साथ जब वो किसी मोशन में होता है, तो उसकी जो इक्वेशन है उसको उसने वेव इक्वेशन बोला, और उसके सॉल्यूशन को हमने डिनोट किया था वेव फंक्शन से। तो उसी को बोला जाता है श्रोडिंगर फंडामेंटल वेव इक्वेशन। तो उसी को हम आज इस डेरिवेशन के अंदर पढ़ेंगे। की जो वेव थी, वेव इक्वेशन थी, उसका जो सॉल्यूशन है वो बताता है कि जो पार्टिकल का बिहेवियर है, पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पर। और उसकी जो सॉल्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है एक वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, और वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ भी। तो इसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है हम उस वेव फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं जिसकी वेव इक्वेशन श्रोडिंगर ने दी थी, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लार्ज होगा जहाँ भी पार्टिकल को हम लोकेट कर सकते हैं, या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है उस प्लेस पर वो ज़्यादा है। अगर वो पार्टिकल किसी भी पोजिशन पर नहीं है, लोकेशन पर नहीं है, तो वहाँ उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होगी। और उसी तरह उस वेव फंक्शन की जो उससे एसोसिएटेड है उसकी जो वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड होगा वो भी स्मॉल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन को शुरू करने के साथ हम कंसिडर करते हैं एक नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल ऑफ मास m, जिसकी वेलोसिटी है v और उसका मोमेंटम है p, जिसको हम बोलते हैं mv, और उसकी एनर्जी है e, और वो मूव कर रहा है किसी भी x डायरेक्शन में। पार्टिकल m मास है, उसका वेलोसिटी उसकी वी है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम है एम वी। अगर हम उसकी टोटल एनर्जी लेट करते हैं तो वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अलावा उसके पास कोई भी एनर्जी है, इसीलिए हमने उसको बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री पार्टिकल, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसके ऊपर। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एम बाई एम से, ऊपर नीचे एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा पी स्क्वायर ओवर 2m, यानी कि एनर्जी होगी पी स्क्वायर बाई 2m। नाउ द मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी अगर उसकी न्यू है तो वो होती है e बाई एच, और उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब उसका जो प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है वो है k, k की वैल्यू होती है p बाई एच क्रॉस, और h क्रॉस की वैल्यू h ओवर 2π। ये सभी चीज़ें हमने शुरुआत में लेट कर ली कि उसकी बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, मेजरमेंट्स क्या है। तो उसको मोमेंटम को अगर हम एनर्जी से रिलेट कराते हैं तो मोमेंटम होता है p, और ओमेगा हम लिख सकते हैं e बाई h, क्योंकि e इज इक्वल टू होता है हमेशा h क्रॉस ओमेगा। वो कैसे आता है, अगर एनर्जी की वैल्यू हम h न्यू लिखते हैं और ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2π न्यू होती है फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और h ओवर 2π होता है h क्रॉस, तो ये आ जाता है h क्रॉस ओमेगा। तो हमें पता है कि जो p स्क्वायर ओवर 2m क्या है, p स्क्वायर ओवर 2m है एनर्जी। तो हम यहाँ पर एनर्जी लिख देते हैं, फ्रिक्वेंसी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या आ गया, h क्रॉस k स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, तो h क्रॉस k स्क्वायर ओवर 2m हमें रिलेट करते हैं किसके साथ, ओमेगा के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन हमें मिल जाता है। नाउ द सिंपलेस्ट प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव, उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है साई
डिपेंड्स अपॉन आर, आर यहाँ पर पोजिशन वेक्टर है, टी टाइम है, ए ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ई यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये एक प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव की जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, आर यहाँ पर पोजिशन वेक्टर है, के यहाँ पर वेव नंबर है, और वेव नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है के इज इक्वल टू 2π/λ, और टी यहाँ पर टाइम है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करें तो इस वेव की जो फेज वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा बाई के, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी पी से, वी फेज वेलोसिटी। लेट द अबव इक्वेशन इज रिटन फॉर द पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। अगर हम उस पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करें जो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब भी पोजिशन वैक्टर आर है वहाँ हम x लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी x के फॉर्म में। अब हम यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन p इज इक्वल टू एच क्रॉस k और e इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, और वो सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर k की जगह पर और ओमेगा की जगह पर। तो यहाँ होगा e बाई एच क्रॉस, यहाँ होगा p बाई एच क्रॉस। एच क्रॉस को कॉमन लेते हैं तो आयोटा बाई एच क्रॉस p डॉट x माइनस e डॉट t, ये हमारी इक्वेशन बच जाएगी। पोजिशन ऑफ सेट ऑफ सच वेव्स, ए वेव पैकेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विच इज़ द वेव फंक्शन ऑफ ए लोकलाइज्ड पार्टिकल। अब हम एक वेव फंक्शन लेट करते हैं और उस वेव फंक्शन किसका होगा, वो होगा एक वेव पैकेट का। यानी कि जब इस तरह की बहुत सारी वेव्स होंगी इकट्ठी मिलेंगी तो वो एक वेव पैकेट के फॉर्म में होंगी, और उस वेव पैकेट की जो वेव इक्वेशन है फ्री पार्टिकल के लिए वो होती है साई एक्स टी वन ओवर अंडर रूट 2π h क्रॉस इंटीग्रल, टोटल है तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ए पी यहाँ पर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, और डी पी यहाँ पर ये डी पी मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि फंक्शन डिपेंड कर रहा है मोमेंटम पर, तो जो डेरिवेटिव भी होगा वो भी डिपेंडेंट होगा मोमेंटम के। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने लिख ली है फॉर ए वेव पैकेट फॉर फ्री पार्टिकल। अब अगर हम इसको सिग्निफाई करते हैं कि इसका मोमेंटम क्या है, तो यहाँ पर वो मोमेंटम है, मोमेंटम नहीं सॉरी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन बाय सिमेट्रिकल रिलेशन, और जो रिलेशन हमें फोरियर सीरीज से मिलता है वही हमने यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से लिख दिया है, वो है ए ब्रैकेट पी यानी कि ए इज ए फंक्शन ऑफ पी वन ओवर अंडर रूट पाई एच क्रॉस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से तो सब का सब उधर चला जाएगा, ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो साई एक्स टी मल्टीप्लाई में होगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच क्रॉस, नेगेटिव साइन आ जाएगा जब ये पलट जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, इसलिए तो ये इसके अपोन में जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई के लिए हम इसको नेगेटिव कर देंगे, तो पी एक्स माइनस ई टी ओवर डी एक्स, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है तो डी एक्स। अब हम जो हमारी मेन इक्वेशन है ये, इसका हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा, तो जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं वो सेम की सेम रहेंगी, जैसे ये कॉन्स्टेंट टर्म है सेम रहेगी, ये कॉन्स्टेंट टर्म है ये सेम होगी। अगर हम एक्सपोनेंशियल की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वन बाई आयोटा बाई एच क्रॉस बाहर आ जाएगा सेम का सेम, और इसकी जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिलेगा जो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये होगा टी साई बाई डी टी वन ओवर टू पाई एच क्रॉस नेगेटिव ऑफ आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई ए यानी कि मोमेंटम वो सेम का सेम, ये सब कॉन्स्टेंट है तो सब जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इंटीग्रल होगा इसका, और इसका इंटीग्रल हमें कैसे मिलेगा टी के रिस्पेक्ट में, अगर डी बाई डी टी करेंगे तो वन यानी कि सिर्फ बचेगा ई, ई हमने ले लिया है बाहर, ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म है ये सेम की सेम दोबारा लिखी गई और डी पी दोबारा, यहाँ पर हम बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं इसको क्योंकि वन के साथ लगाकर। अब वन के साथ अगर हम बाई पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान के कर सकते हैं, ये पूरा फंक्शन फर्स्ट सेकेंड होगा या फर्स्ट होगा, तो इस तरह हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जनरली ये इक्वेशंस याद की जाती हैं और ज़्यादा कुछ है भी नहीं याद करने के लिए, नॉर्मली हम इसको समझ भी सकते हैं।
तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन हमें वही मिली है जो हमने शुरुआत में ली थी, यानी कि साई। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई साई। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अगर हम इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको हम लिखते हैं उधर, इसको हम लिखते हैं उधर, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस और माइनस आयोटा है तो हम दोनों तरफ आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा माइनस वन, ये होगा प्लस और उधर भी आ जाएगा आयोटा। तो हम इस तरफ आयोटा और इस तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा 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 स्क्वायर होगा वो होगा माइनस वन, ये प्लस हो जाएगा, एच क्रॉस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस डी डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू ई साई। ये इक्वेशन होगी टू। अब वही इक्वेशन जो हमने शुरू में लिखी थी उसका हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और रिस्पेक्ट में किसके, एक्स के। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में हम लिखते हैं डेल ओवर डेल एक्स ऑफ साई वन बाई टू पाई एच क्रॉस अंडर रूट, सेम का सेम कॉन्स्टेंट है, ए पी कॉन्स्टेंट है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एच क्रॉस ये बाहर आ जाएगा, आयोटा बाई एच क्रॉस बाहर आ जाएगा और इसको एच क्रॉस को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हमने एक्स करी है तो ये जीरो, पी बाहर आ जाएगा तो पी बाहर आ गया, बाकी टर्म सेम की सेम। अगर मैं सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करूँ तो इसकी दोबारा होगी, बाकी सब कॉन्स्टेंट होगा, पी स्क्वायर दो बार होगा और ये टर्म दोबारा मिल जाएगी सेम की सेम, आयोटा एच क्रॉस दोबारा आ जाएगा। तो इसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो सेकंड टाइम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई एच क्रॉस पी स्क्वायर, बोला था पी स्क्वायर होगा, ये टर्म सेम की सेम होगी, आयोटा बाई एच क्रॉस सेम का सेम होगा, डी पी सेम होगा। अगर मैं इसी को दोबारा ट्रांसफॉर्म करूं, ये सेम का सेम, ये सेम का सेम, इस पूरे को दोबारा हम बोल सकते हैं साई, पी स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर तीन होगी। अब हमें पता है ई इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। अगर मैं यहाँ पर साई साई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा ई साई इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर बाई टू एम साई। अब यहाँ जो वैल्यूज़ हैं इसकी ई की और पी की जो वैल्यूज़ हैं, ये अगर वैल्यूज़ हम इक्वेशन दो और तीन से सब्ट्रैक्ट करके या निकाल के यहाँ डालते हैं तो हमें मिलता है आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। जो हमने ई साई की वैल्यू है वो हमने अपनी पिछली इक्वेशन से ली है, पिछली इक्वेशन से मतलब हमारी यहाँ से इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम ई साई की वैल्यू लेते हैं तो आयोटा एच क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी, जब हमने अपनी इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करी थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमें यहाँ से मिल गया था। अगर हमें इसकी वैल्यू लेनी है पी स्क्वायर साई की तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली और यहाँ में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ, तो हमें इक्वेशन मिलती है आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाई टू एम डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी और ये फोर्थ इक्वेशन ही है हमारी वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर ए फ्री पार्टिकल जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक है। अगर हम इसको फर्दर फॉर ए प्लेन वेव के लिए डिस्क्राइब करें तो वो होगा, अगर कोई भी प्लेन वेव का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होगा साई एक्स टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। अगर हम यहाँ पर तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पहली वैल्यू पता है ई साई, ई साई जब मिलता है जब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो होगा आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी ऑफ साई। अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन को हम एक्स के लिए फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है आयोटा नेगेटिव आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स साई इज इक्वल टू होगा पी साई। अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि सेकंड बार भी डिफरेंशिएट करते हैं तो पी स्क्वायर हो जाता है और डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई मिलता है, यहाँ पर एच क्रॉस का स्क्वायर हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें अगर हम अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है कुछ
तो ये तीनों वैल्यू हमें देती हैं एक तरह के ऑपरेटर्स। आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी वो है एनर्जी ऑपरेटर ऑन साई, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स वो है मोमेंटम ऑपरेटर ऑन साई। और इक्वेशन चार में जो हमने इक्वेशन चार पीछे लिखी थी, यानी कि हमारी वन डायमेंशनल जो मेन इक्वेशन थी श्रोडिंगर की, उसमें अगर हम उसको हम रिप्लेस उसको हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं ये वैल्यूज यूज़ करके, तो हमें सिर्फ इतना सा मिलता है कि जो माइनस नहीं माइनस नहीं एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी है उसकी जगह पर ई लिखेंगे, इस साई को साई रहने देंगे। नेगेटिव एच क्रॉस आयोटा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई लिखेंगे, इस पूरे को लिख देते हैं हम पी स्क्वायर ओवर 2m और ये रहेगा साई। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये वो इक्वेशन है श्रोडिंगर की जो कि फ्री पार्टिकल के लिए है। अगर हम सोचें कि पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स भी है तो उसकी एनर्जी सिर्फ ई ना रह के कुछ एक्सटर्नल एनर्जी भी होगी, तो उसकी जो एक्सटर्नल एनर्जी होगी वहाँ पर वो पोटेंशियल की वजह से भी हो सकती है, जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी होगी पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी एक्स टी, क्योंकि एनर्जी को सिर्फ मोमेंटम की फॉर्म में ना लिख के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिखना होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी है। अब इस पूरी इक्वेशन पे अगर हम साई को ऑपरेट कराएं बोथ साइड, तो ई साई पी स्क्वायर 2 बाई m साई प्लस ई प्लस वी एक्स टी साई, तो ये नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होती है एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए भी। अब इसी को हम इक्वेशन 2 और 3 में पुट करते हैं तो हमें मिलता है इस ई की जगह पर आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई, इस पी बाई 2m की जगह पर माइनस एच क्रॉस ओवर 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी एक्स टी साई। तो यही है हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी भी पार्टिकल के लिए जो कि एक्सटर्नल फोर्स भी रखता है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम वो डेरिवेशन डिराइव करेंगे जो कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगी श्रोडिंगर की, लेकिन 3 डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल के लिए।